अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अकील। हमने जो प्रीवियस लेक्चर में जब टॉपिक डिस्कस किया था वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड की थी सर्किट की, और सर्किट भी ये दो तो थे तीन में से, उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड की थी। अब इसमें भी डिटेल सॉल्व किया हुआ है उसमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। अब हम उसमें एक एडिशन की है, ये की है कि भाई इसमें हमने बैटरी सप्लाई दे दी, सप्लाई देने के बाद इस पूरे सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा वो हम मालूम करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन जो होती है वो फार्मूला के थ्रू होती है, मेजर जो वैल्यू होता है वो मीटर्स के थ्रू होता है। अब जो कैलकुलेशन होती है उसमें रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेजर वैल्यू के अंदर अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें देखिए यहाँ पर तीन रेजिस्टर्स हैं, जैसे पहले हमने वीडियो भी किया था, ये मैंने आपको बताया कि जब कोई एक पाथ चल रहा हो तो जब तक चलेगा वो सीरीज कनेक्शन होगी। अब इसमें देखिए यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, यहाँ से हम जाते हैं तो यहाँ पर ये और ये डिवाइड हो जाती है, यहाँ से कंटिन्यू करके ये जो रेजिस्टर यहाँ पर कोई इसकी दूसरी ब्रांच नहीं है, तो ये जो पाथ होगा ये दोनों आपस में सीरीज में होंगे। अब ये सीरीज में रेजिस्टेंस मालूम करने का क्या तरीका है, पहले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि भाई सिर्फ ऐड करेंगे उन रेजिस्टेंस को। अब ये 9 ओम हम ऐड करेंगे तो 9 प्लस 9 18 ओम हो जाएगा। इसमें लेकर RT टोटल रेजिस्टेंस डैश दिया हमने, क्योंकि इन दोनों की अब फाइंड की है। अब ये रहता है टोटल पूरी नहीं हुई अब सर्किट की 18 ओम। अब ये जो तब दो होंगे इसका इक्विवेलेंट एक सर्किट बनेगा रेजिस्टेंस का, ये जो दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे जैसे हमने पहले वीडियो में किया था। अब वो पैरेलल में हो गया तो पैरेलल में दो रेजिस्टेंस हो तो उनकी टोटल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली उनके वैल्यूज को न्यूमरेटर के अंदर मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करके डिनोमिनेटर में उसका एडिशन रखें। दो अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उन दोनों रेजिस्टेंस की टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करें, आप उन दोनों रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें डिनोमिनेटर में उन दोनों की एडिशन को रखें। हमने यही यहाँ पर किया हुआ है, देखें RT जो इन दोनों की रेजिस्टेंस मिली 18 ओम, मल्टीप्लाई किया है जो रेजिस्टर बचता है 9 ओम, फिर डिनोमिनेटर में क्या किया डिवाइड करके दोनों को ऐड किया है। अब जो RT जो हमने फाइंड किया वो 18 ओम था, मल्टीप्लाई बाय 9 ओम जो रेजिस्टर दिया हुआ है, डिवाइड करके हमने RT का 18 रखा है, फिर प्लस करके 9 दिया। अब हम 18 को 9 से मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा 162 डिवाइड करेंगे 18 प्लस 9 मीन्स 27 से, तो 162 को अगर आप 27 से डिवाइड करेंगे तो आपको जवाब आएगा 6 ओम। ये सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस है। अब हम करंट फाइंड करना चाह रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड द करंट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। अब करंट का अकॉर्डिंग टू ओम्स का फार्मूला क्या है, I = V/R, तो वोल्टेज हमें दी हुई है 6 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस टोटल कितनी मिली 6 ओम, तो 6 / 6 = 1 एम्पियर मींस इस टोटल सर्किट के अंदर करंट क्या है, कितना फ्लो करना है 1 एम्पियर। इन सिमिलर वे ये जो दूसरा सर्किट है, ये दूसरा सर्किट हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अंदर उसकी फाइंड की थी रेजिस्टेंस। अब सिमिलर वे से क्या किया था, यहाँ पर देखें ये जो दो हैं रेजिस्टर्स आपस में सीरीज में, तो सीरीज में हमने 2 + 2 यहाँ पर 4 कर दिया, इसकी दोनों रेजिस्टेंस की टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम है। अब ये जो दो रेजिस्टेंस होंगे वो इसके साथ जब हम इक्विवेलेंट रखेंगे तो पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। समझे कि दो रेजिस्टर को हमने एक कर दिया, उसका जो ये वैल्यू होगा इसके साथ पैरेलल में होगा। पैरेलल में कैसे फाइंड करते हैं, दोनों के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें फिर डिवाइड करके डिनोमिनेटर में उन दोनों की एडिशन को रखें। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मतलब ये इन दोनों की जो रेजिस्टेंस मिली 4 ओम, फिर मल्टीप्लाई करेंगे ये जो 4 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 डिवाइड बाय 4 + 4 = 8, 16 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 2 ओम। फिर ये जो रेजिस्टर है, अब इन तीनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसके साथ क्या होगा, उसके साथ होगा ये सीरीज के अंदर। अब सीरीज के अंदर हम सिंपली रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, उनकी रेजिस्टेंसेस को ऐड करते हैं। अब ये 2 ओम मिला इन तीनों के रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, 4 के साथ जब हम 2 ऐड करेंगे तो 4 + 2 क्या होगा 6 ओम। अब देखें यहाँ पर ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की मिली 6 ओम की मिली, और इसी सर्किट के अंदर जो हमें सप्लाई दी हुई है वो 12 वोल्ट की है। अब फिर इसी के अंदर भी करंट को फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू बेसिक ओम्स लॉ फार्मूला I = V/R। ये जो वोल्टेज है वो 12 है
और टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम दिया हुआ है। अब 12 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 एम्पियर। यहाँ पर हमने फाइंड किया वहाँ पर 1 एम्पियर था, यहाँ पर हमने फाइंड किया 2 एम्पियर। ये डिपेंड करता है ये सर्किट की जो सर्किटरी कैसे है, कितने रेजिस्टर्स हैं। अब इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे वैल्यू, मेथड चेंज नहीं हो सकता। हाँ, इनकी सर्किटरी चेंज हो सकती है, 3 से ज़्यादा हो सकती है रेजिस्टर, 3 से कम हो सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने के साथ साथ आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। थैंक यू वेरी मच।